तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1981 में आने वाली अनीता बच्चन की सभी फिल्मों के बारे में। अनीता बच्चन ने साल 1981 में 6 फिल्मों में काम किया था, तो उन सभी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि साल 1981 में इन 6 टॉप फिल्मों में पहले नंबर पर कौन सी फिल्म थी, छठे नंबर पर कौन सी फिल्म थी और कौन सी मूवी ने मारी थी वाजी। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली फिल्म कालिया से। 25 दिसंबर साल 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन, अमजद खान, परवीन बॉबी इसमें अहम किरदार में थी। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,70,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अवाओ एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म थी याराना। 23 अक्टूबर साल 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन, तनुजा, अमजद खान इसमें अहम किरदार में थे। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,50,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7,00,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अवाओ एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म है बरसात की एक रात। 20 फरवरी साल 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन, अमजद खान, राखी गुलजार इसमें अहम किरदार में थी। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,00,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म है सिलसिला। 14 अगस्त साल 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन, रेखा और जय बहादुरी इसमें अहम किरदार में थी। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,00,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में 4,00,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म है लावारिस। 22 मई साल 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन, जीना तमान, अमजद खान अहम किरदार में थे। इस मूवी का बजट 2,50,000,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6,00,00,000 रुपए कमाए थे और पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 12,00,00,000 से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी अनीता बच्चन साहब की साल 1981 में। आखिरी और छठी फिल्म, फिल्म का नाम था नसीब। 1 मई साल 1981 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे हेमा मालिनी, अनीता बच्चन, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, अमजद खान और अंग्रेश पुरी अहम किरदार में थे। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 7,20,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 14,50,00,000 रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों ये रही साल 1981 की अनीता बच्चन साहब की सभी फिल्में। तो दोस्तों साल 1981 में अनीता बच्चन साहब ने 6 फिल्मों में काम किया था। तो इन 6 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर।